महिलाओं के हक की रक्षा करना है, लेकिन इसकी सदस्य महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर फंस गई हैं। सदस्य मीना कुमारी को लगता है कि लड़कियां मोबाइल पर बात करके घर से भाग जाती हैं, और मीना कुमारी सलाह ये भी दे रही है कि लड़कियों के मोबाइल फोन को परिवार चेक करें, क्योंकि लड़कियां मोबाइल पर बात करके बिगड़ रही हैं। तो लड़कियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं और इसीलिए घर से भाग जाती हैं, इस तरह की बातें मीना कुमारी ने कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार उनका फोन चेक किया जाए, मोबाइल पर बात करके लड़कियां भाग जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लड़कियां अगर घर से भागी हैं तो उसकी मुख्य वजह यही रही, इसलिए उनका फोन लगातार चेक होना चाहिए। समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे, ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूंगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें, ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीना कुमारी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए? फोन देने से बिगड़ जाएंगी वो, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बयान दिया है। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं जो लड़कियां मोबाइल के जरिए जो घर से चली गई हैं और जिन्होंने शादी की है, इस तरह के मेरे पास केस आए। मैंने ये कहा कि जो नाबालिग लड़की लड़के हैं उनकी माओं को अभिभावकों को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या है, उसको चेक करना चाहिए मोबाइल को। मैंने इस तरह का बयान दिया, मैंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आपको इसमें कोई विवाद नहीं लगता? आपने कहा कि लड़कियों को अगर फोन दिया जाता है इसी तरह की लड़कियां आगे जाकर भाग जाती हैं, आपने यही कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा कि लड़कियों को फोन, मैंने कहा नाबालिग जो लड़कियां लड़के होते हैं उनको फोन ना दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के केस मेरे पास आए, कल भी मेरे पास केस आए, उसकी मार हो रही थी। पर मीना कुमारी जी, ये बताइए आजकल तो पढ़ाई लिखाई, बच्चों की क्लासेस, सब कुछ फोन पर चलती हैं, सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट आप कर रही हैं? नहीं, इसीलिए तो चेक करना चाहिए, मोबाइल अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। मोबाइलों को पढ़ाई लिखाई सब मोबाइल से होती है, लेकिन उनकी माओं को चाहिए कि उसको शाम को चेक करें हमारी बेटी ने किससे बात करी है, क्या 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 किया। मीना कुमारी जी, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, क्या आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी हैं या फिर उनके खिलाफ खड़ी हैं? क्योंकि आपके बयान तो सीधे तौर पर यही लगता है कि उनकी आजादी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं तो कहां कहां नहीं पहुंच रही, तरक्की कर रही हैं, फोन नहीं देने का मतलब क्या है? एक एक गरीब आदमी, एक जिसकी बेटी जाती है, उदाहरण में भी है मेरे पास केस आते हैं इस तरह के, लड़कियां मोबाइल से भाग जाती हैं, शादियां कर लिया है लड़कियों ने। मैं अब फिर दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ, जो नाबालिग लड़की हैं और लड़के हैं उनका उनके मोबाइलों को चेक करा जाए, शाम को उनकी माएँ देखें, पिता देखें, जो भी है, क्या वो कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं। मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही ये बात बोल रही हूँ। मतलब सीधा ये है मीना कुमारी जी, आपका ये कहना है कि जो लड़की नाबालिग, चलिए हम यहाँ पर उस वो शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाबालिग अगर कोई लड़की फोन पर बात कर रही है तो वो भाग जाएगी घर से? उदाहरण में है मेरे पास, जो लड़कियां मोबाइल के जरिए गई हैं, सब थोड़ी होता है, जो गांव की लड़की हैं बेचारी सीधी हैं, वो हैं मोबाइल से मैसेज करके उनको लोग बुला लिया जाता है। मैंने ये बोला है, मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही बात कर रही हूँ। मीना कुमारी जी, जो लड़कियां या फिर लड़के भी, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को मत लीजिए, यहाँ पर लड़कों को भी लीजिए, जब वो टीनेज में स्टेप इन करते हैं तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है। ये थोड़े कि आप फोन ही हटा देंगे उनसे, आप उनकी आजादी पूरी तरह से छीन लेंगे, आप घर में कैद कर देंगे। तो मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, नाबालिग लड़के भी और लड़की भी, मैंने सिर्फ लड़की के लिए नहीं कहा, मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ। तो फिर उसके लिए समझाया जाए या सीधा फोन ले लिया जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा फोन ले लिया जाए, मैंने ये कहा चेक करा जाए फोन, किस किस से बात करती है, क्या करती है, इसमें तो कोई विवाद हुआ नहीं है।
अपनी बच्चे की सुरक्षा के लिए है ये, और हम लोग तो इसी को देखते हैं। मेरे पे तो केस आते हैं इस तरह के, कल भी दो तीन केस थे मेरे पास इसी तरह के। मैंने इसलिए कहा, मैं उनकी रक्षा के लिए कहती हूँ और मैं अधिकारियों से भी यही लड़ाई लड़ती हूँ उनकी रक्षा के लिए। तो मतलब ये है कि जो प्राइवेसी पर अगर क्वेश्चन उठे तो सिर्फ महिलाओं की, अगर लड़के नाबालिग हैं और वो फोन लेते हैं इस्तेमाल करते हैं वो गलत नहीं है, लड़कियां गलत हो गई। लड़कों को भी बोला है मैंने, लड़कों को भी किया जाए, जो नाबालिग लड़के भी हैं और लड़कियां दोनों के लिए बोला। अब उसको चैनल वाले कैसे देते हैं क्या देते हैं, चैनल वाले नहीं। देखिए मीना कुमारी जी, आपने सीधे तौर पर ये अभी देखिए, आपने सिर्फ हम उसकी बात नहीं कर रहे, आप अभी मेरे से बात कर रही है, आप तब भी यही बात कह रही हैं, आप बिल्कुल उसी बात को रिपीट कर रही हैं। मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहती हूँ, फोन लेना क्या सोल्यूशन है, फोन चेक करना सोल्यूशन है, या फिर एक जिम्मेदार महिला आयोग के सदस्य होने के नाते आपको ये कहना चाहिए कि बच्चों के साथ काउंसलिंग की जाए, उनके साथ बैठकर उनको काउंसिल किया जाए। चेक करना चाहिए मोबाइल किससे बात करती है हमारी बेटी और क्या किया पढ़ाई लिखाई में, ये तो कोई बुराई की बात नहीं है। चेक करना मोबाइल चेक करने चाहिए, चाहे लड़का है या लड़की है। मैंने यही बोला और अभी यही बोल रही हूँ, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। क्या बच्चों की काउंसलिंग जरूरी नहीं है? नहीं, मैं तो बच्चों की सुरक्षा के लिए बोल रही हूँ और अभी यही बात कह रही हूँ। तो हमारे भी बच्चे हैं और मेरे पास इस तरह के केस भी हैं उदाहरण में, ऐसा थोड़ा ही है। मैं तो उनकी रक्षा के लिए ही कह रही हूँ, उनकी सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। क्या मोबाइल न देने से, या फिर अगर कोई पेरेंट्स मोबाइल चेक नहीं भी करते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मोबाइल न दे। मीना कुमारी जी, भरोसे की भी बात होती है, कैसे नहीं, भरोसे की भी यहाँ पर बात होती है ना। कैसे कोई माता पिता ठीक है अपने बच्चे पर सीधा उंगली उठाए, तो वो एक मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी बच्चे के लिए? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। अपने बच्चे को प्यार से आप चेक करें मोबाइल, दिखाना बेटा किस पे किस से बात करिए, क्या पढ़ाई करिए, क्या करिए। नाबालिग बच्चे के लिए चेक करना कोई वो नहीं है इसमें, ये तो एक सुरक्षा है, बच्चे की भी सुरक्षा है, माँ बापों की भी संतुष्टि है। यही मैंने बोला और यही अब मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब सीधा अपने ही बच्चों की जासूसी करने लग जाए माता पिता? ये कोई जासूसी नहीं है। अब हमारा बच्चा कहाँ जाता क्या जाता, क्या हम इस बात को नहीं करेंगे? ये जासूसी थोड़ी है। मैं वही बात कह रही हूँ ना, वही बात कह रही हूँ मीना कुमारी जी। देखिए सोल्यूशन तो काउंसलिंग के जरिए भी निकाला जा सकता है, जासूसी करना, मोबाइल ना देना, मोबाइल चेक करना, ये सारी बातें करना। कोई जासूसी नहीं है ये, आप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगी तो ये कोई जासूसी थोड़ी है। हम उसको पालते हैं पोस्ट करते हैं, कोई जासूसी है ये? हम ध्यान नहीं रखेंगे हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है? आप तो ऐसी बात कर रही हैं, ये तो ध्यान रखेंगे हम कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हम पूछेंगे नहीं उससे? वो तो एक भरोसे की बात है ना, माता पिता और बच्चों के बीच में भरोसे की बात है। और ये शुरू से अगर बच्चों को जब वो टीनेज में स्टेप इन करते हैं तभी से अगर काउंसलिंग की जाए, जाहिर सी बात है वो नहीं जाएंगे इधर उधर। नहीं, मैंने सिर्फ नाबालिग बच्चों को कहा है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। मैं फिर रिपीट इसी को कर रही हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अगर इस तरह का कोई केस आपके पास आता है तो क्या करती है फिर आप? क्या करिए? अगर इस तरह का कोई केस आपके पास आता है तो क्या करती हैं आप? क्या सीधा आप माँ बाप को एक कटघरे में खड़ा करेंगी कि आपने अपने बच्चे का फोन चेक नहीं किया इसलिए ये हाल हो गया? नहीं, मैंने इस तरह का केस तो आए मेरे पर, परसों आए थे, मैंने अधिकारियों से मिलकर बात करी है, उनको लड़की को कहा बरामद करके लाइए, आप बयान उनके बयान कराएंगे। उसकी माँ स्वयं कह रही थी, मैं थोड़ी कटघरे में खड़ा कर रही हूँ। मीना कुमारी जी, आप महिला होकर महिलाओं को ही टारगेट करते जा रही हैं। नहीं नहीं, ये गलत है। आप लड़की कैसे कसूरवार हो गई, वो कैसे कसूरवार हो गई इस पूरे मामले में? कोई कसूरवार नहीं होता, नाबालिग लड़की और लड़के का माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का ध्यान रखे, ये कोई गलत नहीं। ध्यान रखने की बात अलग है, लेकिन आप जो सुझाव दे रही हैं कि मोबाइल ना दीजिए या मोबाइल दीजिए तो लगातार चेक करते रहिए, जासूसी करते रहिए, मोबाइल पर देखते रहिए किस किस से बातें हो रही हैं। क्यों चेक क्यों नहीं करेंगे आप? ये तो देखेंगे आप हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ये तो कोई गलत नहीं है। हम ये तो देखेंगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है या वैसे ही मोबाइल से खेल रहा है, ये नहीं देखेंगे हम? या हमारा बच्चा होगा छोटा नाबालिग, लड़का हो या लड़की हो,
दोनों को देखना चाहिए। इसमें मैंने कोई महिलाओं के लिए वो नहीं किया, मैं तो महिलाओं की रक्षा करती हूँ और इतनी मैंने मीना कुमार जी एक सवाल आपसे पूछा जिसका जवाब आपने दिया नहीं कि इस तरह के मामले जब आते हैं तो आप सीधा क्या महिलाओं को ही टारगेट करती हैं? नहीं टारगेट करती, मैं अधिकारियों से बात करती हूँ, उनका सॉल्व करती हूँ, ऐसा थोड़ी है। आपने यही तो बोला ना अभी, आपने बिल्कुल यही तो बोला कि उनका फोन चेक कर लीजिए, उनके माता पिता को बुलाइए, आपने यही तो बोला, नाबालिग बच्चों को फोन नहीं दीजिए, यही तो बोला आपने। बोला मैं अब भी बोल रही हूँ ये, नाबालिग लड़कियां लड़कों का फोन चेक करना चाहिए, देखना चाहिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। शुक्रिया मीना कुमारी जी हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो महिला आयोग की सदस्य के दिए इस बयान पर समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह क्या कह रही हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेहद हैरान करने वाला है। जूही सिंह ने कहा कि उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सियासत अब इसको लेकर लगातार गर्मा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जूही सिंह जिन्होंने कहा कि शर्मनाक बयान है, तुरंत से इस्तीफा दे देना चाहिए। मीना कुमारी के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी का पलटवार बेहद हैरान करने वाला है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये जूही सिंह समाजवादी पार्टी की नेता कह रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे की धज्जियां उड़ाते हुए आज महिला आयोग की एक सदस्य कहती हैं कि बेटियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उन पर नजर रखना जरूरी है। ये उस आयोग की सदस्य हैं जिसका अधिकार जिसका मैंडेट है कि महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें, बेटियों को सुरक्षित रखें। किस तरह के लोगों की इन आयोगों में नियुक्ति होती है ये स्पष्ट है, और इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। और अब बात पहलवान